तो कुछ दिन पहले मेरी मॉम का बर्थडे था। वेट वेट वेट, इतना भी पहले नहीं था यार, 14 जनवरी का था, मतलब कि मकर संक्रांति के दिन। और पता ही है, जब मकर संक्रांति के दिन अगर बर्थडे हुआ तो सबको याद रहना तो लाजमी है, इसीलिए उस दिन बर्थडे सबको याद था। और वहाँ पे उस दिन हमारे घर में, आपको पता ही है मकर संक्रांति किस तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स वाले, कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे स्नैक्स टाइप एंड कुछ लड्डू टाइप बनाए जाते हैं। तो यार उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है बर्थडे पे, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो ऑलरेडी घर में रहती हैं, इसलिए हम कुछ अच्छा मंगाते नहीं है। तो इसीलिए हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की नहीं, क्योंकि अच्छा अपने आप ही हो जाता है। ये तो बहुत नाइस सॉन्ग है जी। यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे अपना आइडिया सुनाती है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन देख के मैंने बोला कि जो तेरे पास है वही कर ले, क्योंकि इसका आइडिया तो बकवास था, लेकिन मैंने सोचा चलो करने दो, क्यों खर्चा करना एक्स्ट्रा। उसके बाद मेरी सिस्टर अपना आइडिया दिखाने के लिए मेरे को अपने ऊपर वाले रूम में ले जाती है। मॉम, गा मत, व्लॉग भी खराब करेगी तू गंदे आवाज में गा के। मेरी शक्ल आई ना फिर धीरे से इधर। अभी तो फ्रिज में रख दी ना, अभी तो फ्रिज में मम्मी नहीं देख लेगी तो खराब नहीं होगा। नहीं अभी तो लाई नहीं, अभी लाई मतलब अभी एक आध दिन नहीं। देख सही है, ऐसा झोला भी है, दिखा डिब्बे निकाल लीजिए। महंगा वाला लाई हूँ, अच्छा डब्बा या पैक कर दूँ। छोड़ ऐसे सही है, टेप खोलना इधर लगा है, इधर खुला है, लेकिन पहले गोपू को खिलाऊं। फाड़ दिया डिब्बा, फाड़ा खोल के कैसे देखनी है। सही है ऐसी वाली बर्फी, चल ठीक है रेड मंगा लेते ना और साथ में। नहीं 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 मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पहले पैसे वापस आने दे। अबे आ जाएंगे, नहीं आए तो अच्छा आएंगे क्यों नहीं। अच्छा चल रहने दे, यही काफ़ी है। नहीं नहीं झोला भी चल रखते हो, और गुब्बारे उसमें रखे हैं रात को तो उसमें रख देना जो नीचे वो है, नीचे जो वो खुलने वाला सब्जी वाला, नहीं वो ऊपर जहाँ लैपटॉप रखता हूँ। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे सही रहेगा, यहाँ कपड़े वपड़े रखते हैं। यहाँ कोई नहीं देखता इसको, रहने कल ही कल का टाइम है, परसों परसों कल नीचे लेके चलेंगे सुबह तो सुबह उधर चल देंगे। दुकान से खरीदा क्या तूने, कितने का अगर कभी जिंदगी में पहले इसको तू रेट देख ले कितने का, तेरे को पता चल जाएगा। 1000 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा क्या। 1000 रुपये की काजू कतली तेरे को गिर गया, चल निकल। अंगूर बंद कर रही हूँ, मम्मी को पता कर दीजिए। अभी बताने का तमीज में तो मैं बिल्कुल नहीं रहता, कमीज में रहता हूँ खाली में। वाह बर्थडे की पार्टी कब दोगे? बर्थडे पार्टी तुम सब पार्टी मनाओ, केक लाओ, कार्ड मैं दूंगी, बड़ा पैसे दो। मैं कैसे दूंगी रे मुंडो, गिफ्ट तो दे दो कोई मुझे, पैसे दो। केले पैसे दो कौन से चुप रहो। पापा ने ये वीडियो देख लिया ना, तो क्या पापा कहाँ यूट्यूब चलाते, तेरे से सांप को देख ले, कहाँ सांप देख लो, चेक कर लो, देख लो कौन सा सांप है। माँ बेटे तो एक जैसे चश्मिश, तेरे से लेकिन सांप मुझे तो देख ले, तो देख लो मैच कर लो, देखो देख लो, देख लो कमेंट में लोग बता देंगे कौन ज्यादा गोरा है, मैं ही हूँ वैसे तो। और क्या, देख लो एक बार और मैच कर लो, कर लो। मैं ही हूँ, चल कर लो, है चल चल कर चल 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 चल
मम्मी जा चुकी है लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए अभी कुछ भी नहीं करने वाले, सुबह ही करेंगे उठ के। तो सुबह सुबह 4:30 बजे मेरे को मेरी सिस्टर ने उठा दिया। पहले तो मेरी गला सूख गया उसकी शक्ल देख के, लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि वो मुझे बैलून फुलाने के लिए बोल रही है। उसके बाद यार ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने क्या किया, जो अपने रज़ाई में ही बैठे बैठे बैलून फुलाने की कोशिश की। काफ़ी सारे बैलून्स जमा हो गए थे, इतने सारे बैलून्स की मैं फुलाते फुलाते थक गया गाइस। और इतने ज़्यादा बैलून्स फुलाने के बाद जो मेरी ब्रीथिंग रेट था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और उसके बाद एक दो बैलून्स तो मेरे मुंह पे डायरेक्ट ही फूट गए। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी नींद खुल गई। और यहाँ पे सिस्टर भी सारी चीज़ें सजा रही थी, मैं खाली रज़ाई में घुसे घुसे बैलून्स फुला रहा था। काफ़ी ज़्यादा बैलून्स यहाँ पे मैं फुला चुका था, और यहाँ पे सारे बैलून्स को मेरी सिस्टर लगा भी चुकी थी। अब मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बैलून्स इतने सारे लगा दिए तो उसके जाके एक फ़ोटो भी ले ली जाए, उसकी वीडियो बना ली जाए, ताकि फिर व्लॉगिंग में उसको डाल दिया जाए। तो यार मैं निकल पड़ा अपने रज़ाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार, लेकिन क्या करें, व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ भी करना ही पड़ता है। तो यार और बैलून्स भी आ चुके थे, उसको भी मैंने फुलाया और गया मैं निकला। मैंने सोचा शूट करता हूँ क्या इसने सजाया, देखा जाए। तो बाहरी बाहर सजाया था, और यहाँ पे वाइड एंगल में आप देख रहे हो इसलिए शायद आपको क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। यहाँ पे वाइड एंगल में मैंने शूट किया हुआ था, और देखो कुछ एस्थेटिक शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन यार सुबह सुबह बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके के शॉट ले लिए नॉर्मल। और यहाँ पे जो है मैंने सोचा अब चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो वापस रज़ाई में घुसने का मन करने लगा। तो यार मैंने छोड़ा और रज़ाई में वापस चला गया। अंदर वाले जलाना अंदर क्या कुछ किया एक ही जरा ठीक है इधर ये देखो अरे कैमरे के पास क्यों ला रहे हो, वीडियो नहीं ले रहे हो ना, इधर जाके देखो ना। अच्छा कैमरे के पास नहीं, अरे इधर तो ना भी इधर नहीं बैठा, इधर ही पुरानी दिल्ली वाले स्वीट चंदूश यही सब करते रहते हो है? किसने किसने किया है? मैंने किया खाली और देख के क्यों मैंने बस सो के वीडियो बना रहा है जब से हैवी बर्थडे तो किया ही पर ये देखो ये देखो रिजाई के अंदर से देखो कब मंगाया, कब आया था ये, रात को आया था क्या? खरीदा है ना खरीदा है ना आया कभी है लेकिन अच्छा खरीद के लाए थे पता है मुझे बर्फी पसंद है, बर्फी खरीदा है बड़ा अपने लिए लाया और अपने लिए थोड़ी लाया, तब किसके लिए लाया? अपने लिए। अपने लिए? अरे वाह तो गुब्बारा भी नहीं सजा है? मैं नहीं, बैठे बैठे बुलाया मैंने अंदर। तो उस दिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि 14 जनवरी होती है, और 14 जनवरी के एक दिन पहले आपको पता ही है कि क्या क्या बनता है घरों में। तो यार हमारे घर भी वही कुछ ना कुछ बनने का यहाँ पे चल रहा था तैयारी, और यहाँ पे जो है गुड़ को पिघलाया जा रहा था, उसके बाद उसकी जो है लड्डू बनाया जाता है मुरमुरे में डाल के। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर बन रही हैं चीज़ें, और भी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं और ख़रीद के भी लाई जाती हैं। तो यार आपको पता ही है ठंडियों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वही सब लेके आया
खाया जाता है। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या क्या किया जाता है, दही चूड़ा खाया जाता है। तो यार इस तरीके से हमने जो है 13th फेब को मनाया था, और उसके बाद जो है हमने 14th फेब को मस्त काजू कतली भी खाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि काफ़ी टूटा फूटा सा दिख रहा है, काफ़ी ही बेकार सा ये दीवार है जिससे जो है हमेशा पेंट निकलता रहता है। तो निकलते निकलते मुझे लग रहा है किसी दिन ये ईंटें भी बाहर आने लगेंगी। तो इस ब्लॉग में यार इतना ही। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल हमारे चैनल को। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय गाइज़।